महिला और उसकी बेटी की दिल्ली में ही हत्या कर दी गई और इस डबल मर्डर की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है क्योंकि महिला का पति बुरी तरह से जख्मी है, उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली के बिंदापुर में इस घर से पड़ोस के लोगों ने झगड़े की आवाज सुनी थी लेकिन कोई नहीं जानता था कि पुलिस के पहुंचने से पहले इस घर में बिखर चुका होगा खून का मंजर। इस घर की सीढ़ियों तक खून पसरा हुआ था और मौके पर पहुंची पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। घर के अंदर पड़ी थी दो लाश और एक बुरी तरह से जख्मी शख्स। इस घर में एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी की खून से लथपथ लाश मिली। पुलिस के मुताबिक इस घर में पश्चिम बंगाल के असित सेन अपनी पत्नी बुला सेन और 6 साल की बेटी के साथ किराए पर रहते थे और देर रात घर से झगड़े की आवाजें आई थी लेकिन कोई नहीं जानता कि ये पति पत्नी का झगड़ा था या कुछ और। असित सेन को बुरी तरह से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं है जबकि डबल मर्डर पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। तनुप्रिया के साथ ओपी शुक्ला, दिल्ली आज तक।